भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने रामपुर पहुंचने के बाद राजनीतिक वार करने शुरू कर दिए। आज जयाप्रदा अपने काफिले के साथ मिलक रथौंडा मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन करके जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने काफिले के साथ मिलक से वे करीब 2 बजे रामपुर लौटी, जहां उन्होंने होटल रेडियंस पार्क में पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि आप सबने इस सांसद को 2004 और 2009 में आपके सहयोग से मैं रामपुर में सांसद बनी और आपके साथ रूबरू हुई और जो जो जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से हम काम करते रहे। आज वही बात, वही समय, वही चुनाव, तो उस चुनाव में और इस चुनाव में काफी अंतर है। उस चुनाव एक अलग पार्टी से हुई, अब मैं अलग पार्टी में आ गई और एक रीजनल पार्टी से मेरे जीवन शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से। उसके बाद एनटीआर के बाद चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू जी के बाद आदरणीय मुलायम सिंह, फिर स्थिति परिस्थिति बदलने के बाद मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं आई। मैं उस दौरान 4-5 साल मैं सिर्फ अलग अलग पार्टियों की नीतियों को मैं देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मोदी जी आए प्रधानमंत्री बने गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा सा उनके योजनाओं के साथ काम कर रही थी, अभी भी देश में हिंदुस्तान में दक्षिण से उत्तर और चारों ओर आज मोदी जी के लहर है। मोदी जी लगभग 18 घंटे से ज्यादा एक इंसान काम कर रहे हैं, को पराये देश जो पाकिस्तान के बुरी नजर हमारे देश में नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो खुद चौकीदार बने। आज चौकीदार के अभियान चल रहा है, आप सब देख रहे हैं। मैं भी इसी के वजह से महिलाओं के सम्मान देना, गंदगी जो सब व्यवस्था जो समाज में जो गंदगी है उसको खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। उसके वजह से ही मैं आज रॉकेट लॉन्चर बीजेपी में मैं आई हूँ और मैं इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे अभिनेताओं को, अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा रखा है और उन्होंने मुझे पार्टी में आते ही रामपुर के प्रत्याशी बनाकर फिर से मुझे अपने घर वापस बुलाया है, तो इस बात पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, 2004 का चुनाव आपने समाजवादी से लड़ा,